नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं जीवीएनएन प्रेजेंस पूजा प्रस्तुति 2021 में। एक बार फिर से हम और एक क्लब आए हैं, जहाँ पे मेरे पीछे की तरफ देख सकते हैं कि जिस तरह से हम बुद्धिस्ट के गुम्बा में हम देखते हैं कि ये सब वीएनसी क्लब की इस बार की पूजा प्रस्तुति कुछ अलग हमें देखने को मिला। जिस तरह से हम गुम्बा में हम खोरलो, इसे खोरलो कहते हैं, ये खोरलो घुमाते हैं, उसी तरह से हम गुम्बा के बाहर जो देखते हैं ऐसे, तो वैसे ही। लेकिन आखिर थीम क्या है, हम इन्हीं से जानेंगे और कोविड प्रोटोकॉल्स भी इन्हीं से पूछेंगे। लगातार ही जीवीएनएन आप सभी को पूजा प्रस्तुति की जो तस्वीरें हैं वो हम आप सभी को दिखा रहे हैं। जैसे कि आप पिलर को देख सकते थे, पिलर को देखने से यही समझ में आ रहा है कि ये कोई गुम्बा थीम ही लग रहा है। लेकिन मैं अभी इतने श्योर नहीं हूँ, हम इन्हीं से जानते हैं। दादा, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं जीवीएनएन में। आपका नाम? नीलय चक्रवर्ती, हम विवेकानंद क्लब का जनरल सेक्रेटरी है। अच्छा, ये इस बार वीएनसी क्लब ने क्या नया सोचा है, क्या नया थीम है? देखिए, इस बार हम लोग का जो सोच है, क्योंकि अभी तक पैंडेमिक है और COVID-19 का जो जितना भी उसमें रेस्ट्रिक्शंस है, वो सब रेस्ट्रिक्शंस को हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग ने ये पैंडल बनाए। ये देखिए, पैंडल टोटली ओपन है, उसमें ना ऊपर कुछ छाद है, इसमें साइड में भी एकदम ओपन है। आप देख सकते फ्री एक्स आप पास एक्सेस है यहाँ से, फिर आप फ्री एग्जिट भी है। तो यहाँ आदमी लोग आएंगे, देखेंगे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर पाएंगे। यही हम लोग का मेन टारगेट था कि हम लोग जो पैंडल करेंगे, जो करेंगे, हम लोग ने अपना आर्टिस्ट जो है बापन घोष, उनसे भी हमने बोला कि एकदम खोला मेला, मतलब एकदम ओपन होना चाहिए। इसमें आदमी लोग सब जो दर्शनार्थी आएंगे, ये लोग मेंटेन कर सके अपना सोशल डिस्टेंसिंग। और हम लोग का इस बार का जो थीम है, ये थीम बेसिकली एक बुद्धिस्ट टेम्पल है। ये आपने देखा है, ये सब प्रे व्हील्स है, और ये प्रे व्हील्स जो है, इसमें आप टच करने से ये भगवान को पास प्रे करने के हिसाब से होता है। हम लोग चाहते हैं कि मास पब्लिक जो यहाँ आएंगे, जो लोग यहाँ आएंगे काली पूजा का दिन, वो ये टच करके भगवान को बोले कि COVID-19 का हमको सबको एक साथ लड़ना है। ऐसे नहीं है कि भगवान को प्रे करने से COVID-19 चले जाएगा। हम लोग को रेस्ट्रिक्शन मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंस करना है, मास्क यूज़ करना है, वैक्सीन लेना है। ये करने से हम लोग ही पैंडेमिक से लड़ सकेंगे, पब्लिक को ही पैंडेमिक से लड़ना है और लड़के हम लोग को बाहर आना है। इसलिए हम लोग का यहाँ अभी काली ठाकुर अभी तक आया नहीं है जी। ये जो काली होगा, ये भी थोड़ा बुद्धिस्ट पैटर्न का होगा। अच्छा। और आप देख रहे हैं कि इसमें पिलर्स में जितना भी है सब ड्रैगन्स है। जी जी, आपको पता होगा, लग रहा है कि एकदम गुम्बा वाला फील। हाँ, गुम्बा वाला फील। और ये ड्रैगन है इसलिए है कि आपको पता है कि इसको विनाश करके हमको इससे हमको जीतना है, इसको जीत के हम लोग को करना है। तो इस बार का इतना जो देख के तो एकदम अलग ही थीम लग रहा है और बहुत सुंदर होने वाला है आगे में। लेकिन इतना बड़ा बजट आप लोगों ने कैसे किया, क्योंकि 2 साल से तो हम सब कोरोना से जूझ रहे हैं। हम लोग एक्चुअली लास्ट ईयर भी हम लोग का पूजा, एक्चुअली पब्लिक का एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहता है। यहाँ 4-5 में 2-4 पूजा है जो आदमी बहुत बाहर से आता है, यहाँ माल बाजार से, जलपाईगुड़ी से, ये पूरा सब डिवीजन से, इस्लामपुर से भी यहाँ लोग आते हैं पूजा देखने के लिए। तो आदमी का एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहता है, इतना दूर से आते हैं। तो इसलिए हम लोग लास्ट टाइम भी हम लोग ने पूजा किया था कोविड वो करके, हम लोग किसी से भी सब्सक्रिप्शन नहीं उठा। लेकिन इस बार हम लोग जो है, हम लोग क्लब मेंबर्स लोग सब डोनेशन कर रहे हैं। हम लोग एक छोटा लकी कूपन अपना क्लब मेंबर्स के अंदर में किया है। लकी कूपन में देखिए, धनतेरस का टाइम है, काली पूजा में सभी आदमी थोड़ा खर्चा करता है ये सब लॉटरी के, तो हम लोग लकी कूपन में टिकट करके हम लोग इससे भी कलेक्शन करेंगे। और जो विलिंग जो है, जो विलिंग जो सब्सक्रिप्शन देना चाहता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो सब्सक्रिप्शन देना चाहते हैं, विलिंग से हम लोग थोड़ा बहुत सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। अच्छा। लेकिन हम लोग किसी का घर नहीं जा रहा है, जो कोविड प्रोटोकॉल का उसमें लिखा हुआ है कि किसी का घर में जाके उसके चंदा नहीं हो, चंदा हम लोग किसी से नहीं ले रहे हैं उसे। और हम लोग का जो शिल्पी भी है, वो भी हम लोग को इस बार थोड़ा कमती रेट में ही हम लोग को ये काम करके दिया कि बोला दादा, हम एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट करेंगे, इसमें मेरा एक पैसा प्रॉफिट नहीं है,
आप लोग इस बार कीजिए, अगले बार हम लोग का 75 ईयर्स है। हम लोग सिलीगुड़ी को सबका आसपास का बासी लोग हम लोग बहुत अच्छा एक थीम वाला पूजा नेक्स्ट ईयर भी हम लोग गिफ्ट दिखाएंगे उनको, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हम लोग का 75 ईयर्स है। अच्छा, तो ये बताइए कि आप लोगों ने ओपन पंडाल तो रखा, लेकिन सोशल डिस्टेंस आप कैसे मेंटेन करेंगे, सैनिटाइजेशन, ये कोविड प्रोटोकॉल? देखिए, हम लोग का यहाँ सबसे जो बड़ा एक चीज़ है, ये स्कूल में पूजा होता है, विवेकानंद स्कूल में हम लोग का विवेकानंद क्लब का ये पूजा 1948 से हो रहा है यहाँ। और सबसे सुविधा है कि लेडीज़ लोग के लिए यहाँ हम लोग बाथरूम का यहाँ पूरा बंदोबस्त है कि पूजा देखने जब निकलते हैं लोग, जेंट्स लोग के लिए ठीक है, उनका मैनेज हो जाता है, किंतु लेडीज़ लोग के लिए हम लोग का यहाँ 3-4 बाथरूम है जिसमें वाटर फैसिलिटी भी रहता है। लेडीज़ लोग यहाँ से आराम से आके यहाँ रेस्ट भी कर सकता है और यहाँ बाथरूम यूज़ कर सकते हैं। और जो डिस्टेंस मेंटेन है, ये तो हम लोग माइकिंग करेंगे, हम लोग का बैनर्स रहेगा, लेकिन क्या होता है ना, पूजा का फेस्टिव सीजन है, पूजा का दिन है, हम लोग रूडली किसी को नहीं बोल सकते, हम लोग किसी को डांट नहीं सकते, प्यार से समझाता है, बाबा डिस्टेंस मेंटेन करो, मास्क पहनो। आज तो लास्ट टाइम भी बहुत बोला था, इस बार तो वैक्सीन हो गया तो इस बार तो और ज़्यादा बोलना पड़ेगा। अरे वैक्सीन देने का बाद यंग जनरेशन में एक तो ऐसा बात है कि अरे वैक्सीन तो ले ही लिया, मास्क का क्या ज़रूरत है, लेकिन इन लोग को समझना पड़ेगा। हम लोग कंटिन्यूसली माइकिंग करेंगे, हम लोग बैनर भी लगाएंगे और ये तो करना पड़ेगा, फेस्टिव सीजन है, डांट नहीं सकते, किसी से झगड़ा नहीं कर सकते। हम लोग का वॉलंटियर्स रहेगा और इनको अवेयरनेस हम लोग करते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो जैसे कि हमने आप सभी को पहले ही, जैसे कि थीम देख के ही हमने आप सभी को बोला था कि ये कोई बुद्धिस्ट टेम्पल गुम्बा जैसे लग रहा है, तो बिल्कुल सही निकला ये आशंका कि सच में एक गुम्बा जैसे ही, क्योंकि ये जो पिलर्स है उसमें भी आप ड्रैगन्स देख सकते हो, क्योंकि बुद्धिस्ट में ये ड्रैगन देखने को मिलता है और इसी तरीके की सजावट हमें देखने को मिलता है गुम्बा में। तो ये रही पूजा प्रस्तुति VNC क्लब से, जहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अब बस कल परसों ही है, उसके बाद में तरसों से पूजा तो शुरू हो गया होगी ही। 3 तारीख को जितने भी जो क्लब्स हैं वो अपना अपना, जितने भी जो अपने पंडाल है वो सब ओपनिंग करेंगे। तो ऐसे ही लगातार हमसे जुड़ते रहिए और पूजा प्रस्तुति हर एक क्लब से हम आप सभी के समक्ष पहुंचाएंगे। धन्यवाद।